देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेपाक। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। अरशद ने भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज से एक कदम आगे निकलकर 90 मीटर से भी लंबा थ्रो कर यह गोल्ड जीता है, जबकि नीरज ने 89.94 से ज़्यादा दूर भाला वो नहीं फेंक सके। अरशद नदीम ने चोटिल होने के बावजूद कॉमनवेल्थ में 90.18 मीटर दूर भाला फेंकते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि नीरज चोपड़ा का सपना 90 मीटर दूर भाला फेंकना रहा है। मगर नदीम ने एक बयान से उनके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। नदीम ने एक बयान में कहा था कि वह कॉमनवेल्थ में 95 मीटर दूर भाला फेंकना चाहते थे, लेकिन चोट हो जाने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। अब नदीम का नया टारगेट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। आपको बता दें, जेवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्मनी के जॉन जेलजी के नाम है, जिन्होंने 25 मई 1996 को 98.48 मीटर दूर भाला फेंका था। नदीम ने कहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड 98.48 मीटर तोड़ने के लिए वह कड़ी ट्रेनिंग करेंगे। उसके इस ऐलान के बाद अब नीरज चोपड़ा के लिए थोड़ी टेंशन जरूर हो गई है। नीरज को अब यदि भविष्य में बड़े टूर्नामेंट में नदीम से पार पाना है तो उन्हें इसके लिए कमर कस लेनी होगी। अरशद नदीम ने BBC से बात करते हुए, मुझे गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी, मैंने गोल्ड जीता। टोक्यो ओलंपिक के बाद एक साल बाद मैं खेल रहा था। मुझे कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन करना था। मैं 90 मीटर थ्रो करना चाहता था और वह किया भी। मेरे घर में सभी को ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रहे। मुझे गोल्ड जीतने की पूरी उम्मीद थी। मैं पहले क्रिकेटर था, फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दी और जेवलिन की कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एथलेटिक्स में रेस और जंप में भाग लिया था। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर नदीम ने कहा कि मेरे बड़े भाई जेवलिन थ्रोअर थे, मुझे गांव से लाया गया और वहां से इस तरह मैं जेवलिन में आया। मुझे अभी इंजरी है, इसके साथ ही मैंने 90 मीटर का थ्रो किया। अगर चोट नहीं होती तो मुझे उम्मीद थी कि मैं 95 मीटर थ्रो करता। अब मैं ट्रेनिंग करूंगा और उम्मीद करता हूं कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।